तो गाइस ये है इंडिया का मोस्ट लग्जरियस बस जिससे मैं आज का ट्रेवल करने जा रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो मैं हूं अभी इस समय नोएडा में और आज जाने वाला हूं मैं भाई नोएडा से लखनऊ, वो भी बाई बस, मस्त रोड का मजा लेते हुए। एंड मैं जाऊंगा इंडिया के मोस्ट लग्जरियस बस से, मतलब मैं पहली बार ऐसे बस से जा रहा हूं तो मेरे लिए तो मोस्ट लग्जरियस बस है और आपके लिए कैसा है वो आप आगे देखना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं भाई। मैं यहाँ पर कबूतरों का दाना एंड पानी रख दिया हूँ और यहाँ पर मैंने कपड़े भी पैक कर लिए हैं, इसको लेकर जाऊंगा तो कपड़े रखते हैं बैग में। लो जी भाई बस में आ गया हूँ मैं एंड ये रहा स्लीपर दोनों साइड में। ये देखो दो लोगों का एक बेड इस साइड भी और इस साइड भी, और ये रही अपनी बस जिससे मैं जा रहा हूँ। एंड ये रही अपनी सीट और यहाँ पर चल रहा है भाई बहुत ही ज्यादा तेज एसी, तो इसको बंद कर देते हैं। ठंडक में एसी चलने का कोई मतलब नहीं है ना, और अभी निकल चुके हैं बस आनंद विहार से। अभी कुछ टाइम पहले ठंडी लग रही थी ना और अभी गर्मी लग रही है, तो यहाँ से मस्त ठंडा ठंडा हवा ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ से मस्त ठंडा ठंडा एसी का हवा आ रहा है ना, तो यहीं से मस्त ले रहा हूँ। और यहाँ से बैठकर बाहर का नज़ारा लेने का बात ही कुछ और है, खास करके ऐसा व्यू हो तो। तो गाइस अभी ठीक 3 बज रहा है और अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, और भाई पहली बार मैं यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल कर रहा हूँ। और भाई दोनों साइड में है खूबसूरत हरे भरे खेत और बीच में है यमुना एक्सप्रेस वे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। खास करके इसका मज़ा दोगुना तब हो जाता है जब हम बाइक राइडिंग कर दें। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी करेंगे और अभी तो ऐसे ही मज़ा लेते हैं। आपको कैमरे में समझ में नहीं आएगा बट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और देखो अभी हम पहुँच चुके हैं आगरा टोल प्लाजा के पास। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर रुके हुए थे तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लिया है ना, तो मैं सोचा मैं भी चाय पी लेता हूँ। और ये हाईवे पर ही है, पता नहीं कौन सा जगह है, मुझे पता नहीं है, बट ये आगरा के आगे का लोकेशन है। ये देखो यहाँ पर बस रुकी हुई है। सोच रहा हूँ यहाँ से उतर के ताजमहल देखने चले जाऊँ। तो चाय नाश्ता पानी हो चुका है और बस भी निकल चुकी है, ओनली 5 मिनट यहाँ पर रुकी हुई थी, उतने में जल्दी जल्दी मैंने अपना नाश्ता पानी कर लिया और देखो यहाँ से बस जो है वो निकल चुकी है। भाई साहब ये जो बस है ना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, अभी को मुझे पता चला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या खूबसूरत दिख रहा है लाइट जलने के बाद, लग रहा है जैसे 5-स्टार होटल है ना। पता ही नहीं चल रहा है बस में बैठा, देखो क्या मस्त दिख रहा है। और यहाँ पर भी लाइट जल गई है तो बाहर का भी रौनक चेंज हो गया है। तो गाइस रात के बज रहा है 9:30 और अभी मैं पहुँचा हूँ लखनऊ टाइम पर, बस जो है वो लखनऊ आ गई थी। ठंडक भी गाइस बढ़ गई है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ठंडक है दिल्ली के मुकाबले। और इस ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ बस जो है 12:30 बजे चली थी और यहाँ लखनऊ मुझे 8 बजे पहुँचाई है, तो आप देख लेना कितने घंटे पहुँचाई है।